कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फंड जमा करने के लिए इंग्लैंड के विकेटकीपर बैट्समैन जॉस बटलर ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में पहनने वाली शर्ट को नीलाम करने का ऐलान कर दिया। इंग्लिश क्रिकेटर जॉस बटलर ने ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि जैसा कि सबको मालूम है कि अस्पताल, डॉक्टर्स, तिबी अमला और नेशनल हेल्थ सर्विस स्टाफ कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए नाकाबले यकीन खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी आने वाले हफ्तों और महीनों में हमारी ज़रूरत होगी। इंग्लिश खिलाड़ी ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते रॉयल ब्रॉम्पटन और हेयरफील्ड अस्पताल की जानिब से कोविड-19 के मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए तिब्बी आलात के लिए एमरजेंसी अपील की गई थी, ऐसे में उनकी मदद के लिए फ़ंड जमा करने में अपना हिस्सा डालते हुए वर्ल्ड कप फाइनल की शर्ट अतिया करने जा रहा हूं, जिस पर वर्ल्ड कप स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों के दस्तखत भी होंगे। उन्होंने कहा कि शर्ट नीलाम होने के बाद इसकी जो भी रकम होगी वो मजकूरा अस्पतालों को अतिया की जाएगी। बाद अज़ां इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से क्रिकेटर की ट्वीट शेयर की। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस से अब तक 25,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं।